रानी और आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से आपका फेवरेट सीरियल इश्क सुभान अल्लाह की एक बहुत ही शानदार मेकिंग वीडियो सीक्वेंस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि फाइनली रुखसार की काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद आखिरकार जारा हो गई है कबीर की। जी हाँ, जारा और कबीर की हो चुकी है शादी। और अब किस तरह से होगी इनकी शादी की सारी रस्में पूरी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, पूरी अनकट सीन की कैसे शूट हुआ, जारा और कबीर के घर में पहुंचने के बाद का सारी रस्मों का सीक्वेंस शूट। तो देर किस बात की, चलिए आपको दिखाते हैं जारा और कबीर की शादी के बाद के रस्मों की ये पूरी आई मेकिंग वीडियो। कबीर और जारा की इससे पहले जो मुँह दिखाई हुई थी वो भी कुछ ऐसी ही हुई थी अगर आपको याद हो तो, बट उसमें कुछ ऊपर से कुछ चीज़ गिर जाती है और शीशा क्रैक हो जाता है। लेकिन इस बार भी मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। पिछली बार चीज़ें कुछ अलग थी, हम दोनों की मर्जी नहीं थी, इस बार दोनों की मर्जी है। और मैं बोलते बोलते मेरी मुझे एकदम से लगता है कि फिर से कुछ होना चाहिए, लेकिन कबीर होता है तो मुझे सपोर्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कबीर आपसे कहना चाहेंगे रुखसार को देखकर कुछ ना कुछ असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या वो क्या था उसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पहुँच जाती है रुखसार। वो हमारी दोस्त की तरह है और हमने से कई बार समझाने की कोशिश की, रिक्वेस्ट किया, धमकी दी कि मत करो ये सारे गेम्स, मत खेलो तुम, हम सिर्फ एक औरत से मोहब्बत करते हैं, वो ज़ारा और किसी से नहीं। पर आ जाती है, पहुंच जाती है हर गलत जगह में, तो वही गुस्सा आ रहा था और फिर हम नज़र हटाते और देखते कि ज़ारा हमें देख रही, तो फिर दिल पिघल जाता है। अच्छा, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप दोनों, जो बहुत कुछ हुआ पास्ट में वो सब भुला के एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो इस नई ज़िंदगी की अगर एक स्नीक पिक अगर आप दर्शकों को देना चाहें तो क्या रहेगी? बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी नोक झोंक, क्योंकि हम लोग का काम ही है लड़ना, तो हम लोग लड़ते ही रहेंगे। जैसे अभी बस यही अरसी मुशर्रफ, व्हाट्स द एग्जैक्ट वर्ड, मुँह दिखाई नहीं बोलते उसको, बहुत प्यारा सा वो है, अरसी मुशर्रफ, आई एम नॉट श्योर ऑफ द राइट टर्म, एग्जैक्ट टर्म, अभी कुछ कह रही थी एंड आई एम सॉरी आई वाजंट पेइंग अटेंशन, बहुत थक चुका हूँ, बट या तो बहुत सारी नोकझोंक अभी उससे, वो सेरेमनी से भी पहले हम लोग लड़ना शुरू करते हैं, तो बस यही दिखेगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। हाँ, अच्छा ज़ारा, पहले आप हमेशा कुछ जिद पे अड़ जाती थी तो अड़ जाती थी, इस बार वो स्वभाव चेंज होगा या? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है जब आप किसी से प्यार करते हो, जैसे ज़ारा का जो है, तो कबीर ने चीज़ें बोली थी कि तुम ये सब बदलो, तो कबीर के लिए ज़ारा चेंज होने की कोशिश कर रही है, अब वो कितना हो पाएगी देखते हैं, काफ़ी कुछ होने की कोशिश कर रही है, काफ़ी कुछ हो गई है, लेकिन मे बी और हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा कबीर, लास्टली आपसे जानना चाहूँगी, जो ये सैंडविच वाली सिचुएशन आपकी बनी हुई है रुखसार और ज़ारा के बीच में, इसको किस तरह से हल करेंगे, क्योंकि अभी निकाह हो गया है, उनसे भी निकाह करके आए हैं, तो काफ़ी अभी तक इनको पता नहीं है, बट आने वाले दिनों में जब भी ये राज खुलेगा काफ़ी कुछ होगा, तो हम उसे सच सच बताएंगे। देखिए, क्योंकि बात यह है कि हमने उससे निकाह उसकी उसके इश्क के लिए नहीं किया, उसकी मोहब्बत में नहीं किया, हमने उसकी जान बचाने के लिए किया। और इस्लाम कहता है कि एक इंसान की जान बचाना मतलब आपने पूरे कायनात की जान बचाई, तो और माशाल्लाह ज़ारा तो पढ़ी लिखी है, हर चीज़ से वाकिफ़ है, और वो खुद अपनी जान और अपनी फैमिली और अपने ख्याल पीछे रख के किसी और की जान बचाने के चक्कर में कई बार ऐसा हुआ, तो हमारी यही उम्मीद है कि वो भी समझ जाएगी। मुश्किल पड़ेगा क्योंकि आप किसी औरत को अगर आके, किसी भी औरत की बात नहीं है, मर्द या औरत को आप सडनली आके बोलो कि माफ़ करना यार हमने और एक शादी कर ली जान बचाने के लिए, मगर कर दी, तो वो आपको गले नहीं लगाएगा पहले, थोड़ा उसे समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वही दुआ तो यही है कि बस समझ जाए। ज़ारा क्या मतलब जो ये कह रहे हैं वैसा हो पाएगा या? ये बात अभी सिर्फ ईशा को पता है और हमारी ऑडियंस को पता है, लेकिन ज़ारा इस बात से वाकिफ़ नहीं है, तो पता चलेगा तो जो अदान ने बोला, कबीर ने बोला कि दोनों चीज़ें हो सकती है, हो सकता है समझे, हो सकता है बिल्कुल ना समझे और एकदम से अलग हो जाए कबीर से, तो आई डोंट नो कि ज़ारा का क्या टेक होगा, मुझे अभी उस बारे में नहीं सोचना, लेट जस्ट एंजॉय दीज मोमेंट्स, जब वो होगा तब देखा जाएगा कैसे फेस करती हूँ मैं। साथ ही साथ 150 एपिसोड का सेलिब्रेशन भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंसेस के लिए जिन्होंने आपका इतना साथ दिया? बहुत क्यूट है यार दीज गाइज, सो अल्शलिन ने भेजा था, बॉम्बे से किसी ने, इंग्लैंड से ताही, मैं नाम्स बराबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऑनेस्टली थैंक यू गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑनेस्टली दैट्स द बेस्ट गॉडडैम केक आई ईटन इन बॉम्बे। बिफोर दिस बाइट्स नो दीज बाइट्स, अदनान पूछा था कहाँ है वो केक, कहाँ गायब हो गया, वो सबको इतना पसंद है, सो दैट केक इज लवली, अल्शलिन द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड ताही, क्योंकि पिछले बार हमने पहले ज़ारा को देखा था, हमारी नज़र पहले पड़ी थी, तो इस बार हमारे लिहाज से ज़ारा को हमें पहले देखना चाहिए।
हम नहीं, तुम पहले देखो, ठीक है? फ्लैश गया, पत्थर हाई फील्ड में फेंका था, दस शॉट फेंका था। बात करके आप देख जाओ उठाए तो मिरर की तरफ आना चाहिए। तो पूरा टाइम नहीं हो ना, मैं वो कर रहा हूं यार। या थोड़ा हट जाओ, थोड़ा उठो, उठा यार, उठा उठा बहुत ज्यादा उठा। साथ वही प्यार देखने के लिए सारी ऑडियंस को मिलेगा, जैसा कि आपने इस सीरियल के इनके फर्स्ट मैरिज के बाद के फंक्शंस में देखा था। वेल, आपको आज का मेकिंग वीडियो कैसा लगा हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके फेवरेट सीरियल से रिलेटेड सारी मेकिंग वीडियो, बिहाइंड द सीन वीडियो आपको लगातार दिखाते रहें, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा हमारे चैनल का बेल आइकन। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।